सो फ्रेंड्स, ये मेरा टीवी है और ये पिछले 2 दिन से जो है चल नहीं रहा है, और मैं ये दिखाती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये अपने आप ही ख़राब हुआ है, तो इसको ऑन कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि D2S जो है वो ऑन हो रहा है, सेट टॉप बॉक्स ऑन हो रहा है और टीवी भी ऑन हो ही रहा है। तो यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, जैसे कि स्क्रीन लोड होती है जो, उसमें यहाँ पर कुछ परसेंटेज आती है, जैसे 17%, 27%, इस तरीके से ये लोड होकर ना 56% तक पहुँच जाता है, और उसके बाद जो है स्क्रीन वहीं पर फ्रीज़ हो जाती है और ये ऑन नहीं हो पाता है। बल्कि यूजुअली क्या होता था, ये पूरी परसेंट 100% होकर कुछ ही सेकंड्स में टीवी ऑन हो जाता था। तो ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और मैं सर्च कर रही हूँ इसका सोल्यूशन क्या होगा। अगर घर पर ही सोल्यूशन निकल जाता है तो मैं आपको उसकी वीडियो शेयर कर दूँगी कि किस तरीके से इसे आप भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जो है चार्जेस इसके 200 रुपीज़ मांग रहे हैं इसको सेटअप बॉक्स को अपडेट करने के। सो ये स्क्रीन जो है फ्रीज़ हो गई है, और मैंने गूगल किया और उस पर मुझे जो है इन्हीं की वेबसाइट पे, यानी कि D2H की वेबसाइट पे इसका सॉल्यूशन मिला। और सबसे पहले हम उसी को ट्राई कर लेते हैं कि वो ट्रिक काम करती है या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ग्रीन 0, 5 म्यूट, इन बटन्स को हमें इसी सीरीज़ में प्रेस करना है 2 से 3 बार। तो चलिए ट्राई करते हैं। ग्रीन 0, 5 म्यूट, ग्रीन 0, 5 म्यूट। तो ये मैंने 2 बार ही प्रेस कर दिए हैं ये बटन सेम सीरीज़ में, और इसको जो है एज़ पर वेबसाइट 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो हम वेट करते हैं 3 से 4 मिनट का कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है इस ट्रिक से या फिर नहीं। सो करीब 10 मिनट्स हो गए रिकॉर्डिंग होते हुए, और जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। इसलिए मैंने क्या करा, टीवी को फिर से रीस्टार्ट कर लिया, वही प्लग वगैरह ऑफ करके फिर से मैंने दोबारा से ऑन कर लिया टीवी को, और जो मैंने कीज़ आपको बताई थी वही सेम कीज़ जो है मैंने प्रेस करी अगेन, और 3 से 4 बार ही मैंने वो ही सेम कीज़ प्रेस कर दी हैं। लेट्स सी, अभी वेट करते हैं कि क्या होता है। सो मीनवाइल मैंने जो है रिकॉर्डिंग को ऑफ़ नहीं किया है, ताकि जो भी कोई एक्टिविटी वगैरह इसमें होती है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। और ये हमारा टीवी जो है अपने आप से ऑफ हो गया, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको। ओ अच्छा, ये रीस्टार्ट हो रहा है अपने आप से, और मैंने कोई बटन वगैरह प्रेस नहीं किया, और ये जो टीवी है अपने आप से रीस्टार्ट होने लगा है और ये स्क्रीन लोड हो रही है। लेट्स सी क्या होता है। तो फाइनली जो है वो चैनल्स लोड होने लगे हैं इसमें, इट मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर था वो अपने आप से अपडेट होने लगा है। इट मीन्स कि ये ट्रिक जो है आई थिंक काम कर रही है, क्योंकि मेनली जो मैंने शॉप पे जाके पूछा था तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ चार्जेस लगेंगे। तो ये तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, अभी देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। और अगेन जो है टीवी फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। और फाइनली टीवी ऑन हो गया, और ये आप देख सकते हैं होम स्क्रीन, और मैं आपको चैनल से भी दिखा देती हूँ आगे कि सच में ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेट करने के लिए आया है, अभी अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है इसलिए।
आगे चैनल स्विच कर लेते हैं। और ये हम देख सकते हैं चैनल्स आ चुके हैं, टीवी अच्छे से काम कर रहा है। इट मीन्स कि ये ट्रिक जो है काम कर रही है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिक है वो मुझे T2H की वेबसाइट पे मिली थी और उसी को मैंने फॉलो किया है, और कुछ इसमें नहीं किया है। सो फाइनली मेरे जो है पैसे सेव हो गए, और घर पे ही, मतलब थोड़ा टाइम लगा है इसको होने में, 15 मिनट्स के अराउंड लग गए होंगे, बट ये फाइनली जो है हो गया है। सो हो सकता है कि आपका भी जो टीवी है उसमें यही प्रॉब्लम आ रही हो और आपका टीवी भी जो है वो चल जाए, तो एक बार ये ट्रिक जो है काम कर लेना अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम होती है तो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके लिए भी ये ट्रिक वर्क कर रही हो तो। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।